अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चोको बॉल्स, जिसे चॉकलेट बॉल्स भी कहते हैं, जो हम आज चॉकलेट और वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट से और वाइट चॉकलेट से बनाने वाले हैं हम। तो इसके लिए हमने 100 ग्राम चॉकलेट लिया है और 100 ग्राम वाइट चॉकलेट लिया है। इसका हम बाद में सॉस बनाने वाले हैं क्रीम डाल के। तो इसके लिए हमें क्रीम लगेगा इसका सॉस बनाने के लिए, और इसके बॉल्स बनाने के लिए हमने हमने इस टाइप के या इस तरह के टोस्ट लिया है। टोटल हमने दो दो पैकेट टोस्ट लिया था। आप चाहे तो आप कम ज़्यादा ले सकते हैं इसको। इस तरह से हमने बारीक थोड़ा अदरक अदरक मिक्सी में पिसा पिस लिया है, और टोटल हम इसके बाद हम इसको इस तरह एक कप से गिन लेंगे। तो आपके पास जो भी कप है 200 ग्राम का, आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो हम टोटल दो कप के हिसाब से बना रहे हैं। एक कप वाइट चॉकलेट, एक कप वाइट चॉकलेट बनेंगे, और एक कप है तो हम डार्क चॉकलेट का बनेंगे। तो हमने ये एक कप भर के टोस्ट लिया है। अब इसे हम मिल्क में, इसके लिए हमें मिल्क मेट लगेगा। जितना हम गूंथते वक्त हमें जितना लगेगा उतना लेंगे हम, और उसमें दूध मिला के इसे थोड़ा हल्का हल्का सा गून लेंगे। और चॉकलेट सॉस में हम थोड़ा कोको पाउडर 1 टेबल स्पून डालेंगे, और जो चॉकलेट बॉल्स बनाने वाले हैं उसमें भी हम थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर डालेंगे। और ये वाइट दूध पाउडर लिया है हमने, मिल्क पाउडर, जो हम वाइट चॉकलेट सॉस में डालेंगे। और हमने इसे तलना है। तो तले बाद हम इसको ये शक्कर की चाशनी में डालेंगे, जो हमने टोटल इस कप के हिसाब से 1.5 कप पानी लेके 1.5 कप शक्कर डाल के इसे बस 2-5-6 मिनट बॉईल होने दिया है, और बस फिर गैस बंद कर दिया। तो इस तरह से इसकी चाशनी बनाई हमने, जो हम तले बाद इसमें डुबा के निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक बॉल में ये ले लेंगे, पिसे हुए टोस्ट ले लेंगे। अब इसे हम मिल्क मेंट और दूध डाल के इसे हल्का से गून लेंगे, फिर इसके बॉल्स बनेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये मिल्क मेट एक कप में निकाल लेंगे। हमने ये दोनों बॉल्स लिए गुनने के लिए चाहिए, तो इसलिए हमने 2 टेबल स्पून लिया है ये, और इसमें हम थोड़ा सा दूध मिला लेंगे इस तरह से। हम 1 से 2 चम्मच इसमें दूध डालेंगे और इसे अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे। और हमें लग रहा है और लगेगा तो हम थोड़ा और ले लेंगे। टोटल हम 3 टेबल स्पून इसमें दूध मिक्स करके फिर इसमें इस तरह से इसमें डाल के आहिस्ता आहिस्ता इसे गूंद लेंगे। इसे हमें हल्का हल्का ही गुनना है, बस रफली अच्छे से फिर मिक्स कर देंगे। और आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे
तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, हाथों से इस तरह मिला देंगे इसे। बस ये अच्छे से हमारा मिक्स हो चुका है इससे। इसके बाद अब इस तरह से हम हल्के हल्के से बॉल्स बना देंगे। इस तरह से, क्योंकि इसे हमने इसे बाद में फ्राई भी करना है, तो बस तरह रफली इस तरह से हाथ की मदद से तरह तेल पे ये इस तरह से हमें बॉल्स बना देना है पूरे। तो इसी तरह हम पूरे बॉल्स बना देंगे इस तरह हम। इस तरह से बना देंगे, फिर इसी तरह से हम इसके बाद फिर हम पूरे बॉल बनाए बाद फिर हम वो चॉकलेट वाला भी इसका भी आटा इसी तरह से हमने थोड़ा इसमें और मिल्क में डाला था 1 चम्मच, इसे और अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे हम। इसे हम और बाद में थोड़ी और मालिश करेंगे, हमने इसमें 1 चम्मच और मिल्क में डाला था, तो इसे अच्छे से मालिश करके इसके अब हम बॉल्स बनेंगे इस तरह के। अच्छे से बॉल्स बना देंगे, बस बिल्कुल हल्के से रफली करा है हमने इसको, हल्के से मिला है, मिक्स करा है, बस अच्छे से मैश कर दिया था इसको अच्छे से। ये इस तरह के हम इस आप चाहे तो छोटे बड़े आपके हिसाब से आप बना सकते हैं। इसी तरह हम एक के बाद एक पूरे बॉल्स बना देंगे, फिर इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। इसी तरह वो चॉकलेट बॉल भी बना लेंगे हम। इस तरह हम पूरे बना देंगे, इस तरह से हमने ये पूरे बॉल्स बना दिए हैं हमने, अब हम चॉकलेट्स बॉल बनेंगे। हम और चॉकलेट बॉल बनाने के लिए हम और 1 चम्मच मिल्क मेड लेंगे, और 1 चम्मच दूध लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करके में डाल देंगे। इसमें हम चॉकलेट सॉस भी डालने वाले हैं, इसलिए हमने इसमें मिल्क मेड थोड़ा कम डाला है। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच कोको पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून।
थोड़ा सा ये सिरप डालेंगे चॉकलेट सॉस। टोटल हमने 1 टेबलस्पून चॉकलेट सॉस डाला है इसमें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिस तरह हमने पहले वाले बनाए हैं उसी तरह इसको भी हम बना लेंगे। बस इसे बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है हमें, बस हल्का हल्का रफली से अच्छे से मैश करना है। हमें लग रहा है कि हमें और दूध थोड़ा सा डालना है, तो हम एक थोड़ा सा और डाल देंगे इसमें। हमने टोटल 1.5 टेबल स्पून मिल्क मेल्ट लिया था, 1.5 टेबल स्पून दूध डाला था और 1 टेबल स्पून सिरप डाला, चॉकलेट सिरप डाला था। इससे हम इसी तरह के सब बॉल्स बना देंगे। इस तरह से हम टोटल पूरे चॉकोबार बना देंगे। ये अब हमारे अच्छे से चोको बॉल बन गया। अब इसे हम इसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। लीजिए ये हमारे, ये हमने अच्छे से बना दिया है। इसको अब हम फ्राई करेंगे, एक कढ़ाई में तेल डाल के इसे फ्राई कर लेंगे। एक कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है, रखने के लिए इस तरह से हमने टोकरी में टिश्यू रख के इसमें हम फ्राई करे हुए बॉल्स रखेंगे। तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, अब इसमें हम एक एक करके ये बॉल डाल देंगे। पूरे एक के बाद एक हम इसमें ये डाल देंगे बॉल। बस हमें इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करके निकालना। फिर गोल्डन ब्राउन होने तक हल्का सा फिर फ्राई होने देंगे हम, उसके बाद इसे निकाल देंगे। 2-3 मिनट तक ही हमें फ्राई होने देना है इसे, 2 से 3 मिनट तक अच्छे से। अच्छे से फ्राई हो चुके, अब इसे हम निकाल देंगे। अब इसमें हम ये चॉकलेट बॉल डाल देंगे, इसे भी अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे।
इसी तरह हम ये पूरे एक के बाद एक डाल देंगे। इसे भी हम 3 से 4 मिनट तक ही फ्राई होने देंगे। इस तरह से हमारे ये फ्राई चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। ये पूरे अच्छे, ये हमने पूरे इस तरह से फ्राई कर दिए हैं। अब इसे हम चाशनी में डालेंगे, इसके ऊपर चाशनी डालेंगे, शीरे में डुबाएंगे। इसे वाइट सॉस बनाने के लिए हम सबसे पहले पैन में 1/2 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। आप चाहे तो आप बटर भी डाल सकते हैं, हम इसमें असली घी डाल रहे हैं। फिर उसके बाद हम ये चॉकलेट को हमने अच्छे से मेल्ट कर दिया है, इसे थोड़ा सा रफली कूट लिया है, इसे मोटा मोटा। तो इसे इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। फिर उसमें हम 2 टेबल स्पून क्रीम डाल देंगे। फिर और लगाता हूँ इसमें और डालेंगे। बाद में हम इसमें 1 टेबल स्पून शक्कर डालेंगे। अच्छे से मेल्ट होने देंगे। उसके बाद जो ये हमने पाउडर रखा था वो भी इसे डाल के थोड़ा थोड़ा डाल के इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। चॉकलेट में ऑलरेडी शक्कर होती है, इसलिए हम पहले 1/2 टीस्पून डाल के देखेंगे। अगर हमें लगा कम है तो हम और डालेंगे। अच्छे से मेल्ट होने तक से पकने देंगे। और 1 टेबल स्पून में टोटल हमने 3 टेबल स्पून क्रीम डाला है। आँच को थोड़ी स्लो कर लेंगे हम। इससे हमारा चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम गैस बुझा लेंगे। ये सॉस हमको इस तरह इतना बस इतना थिक रहने देना है इसे, क्योंकि हमें इसे बॉल पे फोल्ड करना है। इसके लिए ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखा हमने, ना बहुत ज़्यादा पतला। वाइट सॉस को हमने एक बॉल में निकाल दिया है। अब इसी पैन में हम चॉकलेट सॉस बनाएंगे। इसमें भी हमने 1/2 टेबल स्पून देसी घी डाला है। उसके बाद हम इसमें ये चॉकलेट डालेंगे। इसमें भी हम 1 से 1.5 टेबल स्पून क्रीम डालेंगे। ये हम 1.5 टेबल स्पून से हमने क्रीम डाला है।
एक टेबल स्पून इसमें हम शक्कर डालेंगे। और एक टेबल स्पून इसमें हम क्रीम डालेंगे ताकि सॉस अच्छे से बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं ना बहुत ज़्यादा पतला, इसे अच्छे से हम मेल्ट होने देंगे। जो कोको पाउडर रखा था हमने वो आधा टेबल स्पून डालेंगे। हमें ये बहुत ज़्यादा ठीक नहीं चाहिए, हम इसमें और थोड़ा सा क्रीम डाल लेंगे। टोटल हमने इसमें 2-3 टेबल स्पून क्रीम डाला था और शक्कर हमें हम चख लेंगे, थोड़ी और शक्कर डाल देंगे इसमें। टोटल हमने 1 टेबल स्पून शक्कर डाला है, इसे अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। थोड़ा सा हम थोड़ा सा 1 टेबल स्पून दूध डाल के इसमें थोड़ा पतला कर देंगे हम इसे। बस इस बेसिक पे हम इसे बंद कर देंगे। अब ये हमारा सॉस ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला, बस इसे अब हम बंद कर देंगे। जो शक्कर की हमने चाशनी रखी थी उसमें हम ये बॉल को एक 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 करके इस तरह से इसे शीरे में हल्का सा बस फोल्ड करके ये चॉकलेट सॉस में डुबाएंगे। इस तरह से एक एक करके हम पूरे बॉल को डुबा देंगे इस पर अच्छे से। इस तरह से पूरे फोल्ड करके चॉकलेट सॉस में इस तरह से डुबा के इसी तरह हम पूरे चोको बॉल चॉकलेट सॉस में डुबा डुबा के रख लेंगे। अब ये चॉकलेट बॉल को भी हम व्हाइट सॉस में फोल्ड कर देंगे इस तरह से और अच्छे से इसको इस तरह से हम चॉकलेट सॉस में डुबाएंगे। इस तरह से इसे डीप करके फिर चॉकलेट सॉस को फिर बाद में हम इसे फ्रीजर में 4 से 5 घंटे या उससे भी कम 2-3 घंटे भी हम चेक करेंगे। अगर हमारे 1-2 घंटे में अगर अच्छे से सेट हो गए तो फिर हम निकाल लेंगे। इस तरह से पूरे चॉकलेट बॉल को हम इस तरह से व्हाइट सॉस में डिप कर करके निकाल लेंगे। इसे व्हाइट सॉस में डुबा के
निकाल लिए हैं, अब इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। तो हमने इसे फ्रीज में रखा था, रात भर हमने इसे फ्रीज में रखा था। अब इसे हमने फिर से चमचे से निकाला है वाइट बॉल को, और इसे हथेली से अच्छे से इस पर वाइट जो सॉस था इसका अच्छे से लगाया है। और इसे पे हम ये नारियल लगाएंगे, इसके ऊपर अच्छे से कोटिंग कर देंगे। इस तरह से हमने ये पूरे इस तरह से हमने इस पे नारियल की कोटिंग की थी, और ये चॉकलेट बॉल भी हमारे अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब इसे हम सॉस से गार्निशिंग करेंगे। हम अब ये इसको कट करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारे वाइट बॉल इस पर हमने चॉकलेट सॉस और चॉकलेट इस पे गार्निशिंग की है। आप चाहे तो जो सॉस बचा हुआ है इसका उसमें भी और वापस डिप करके खा सकते हैं। तो हमने इसे चॉकलेट से और चॉकलेट सिरप से गार्निशिंग की है। तो लीजिए, ये हमारे चॉकलेट बॉल और वाइट बॉल तैयार है।